Please subscribe my channel and ring the bell icon to get more notifications. Hello everyone, welcome to Dada's Recipes. और आज हम बहुत ही मज़े की एक डिलीशियस सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं. दैट इज़ स्पाइसी चिली फ्राइज़. बहुत ही यमी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. स्पाइसी चिली फ्राइज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले अगर आप देखें तो 3 मीडियम साइज मैंने यहाँ पे पोटैटोज लिए हैं जिनको इस तरह से लेंथ वाइज मैंने काट लिया है. यहाँ पे 2 मीडियम साइज मैंने टमाटोज लिए थे और उनको क्यूब शेप में काट लिया. कैप्सिकम को भी मैंने क्यूब शेप में काट लिया, 2 ली थी. 2 ही मैंने अनियंस लिए और उनको भी मैंने क्यूब शेप में काट लिया. यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टी स्पून मैंने विनेगर लिया है, 1.5 टी स्पून मैंने यहाँ पे चिली सॉस ली है, 4 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज चिलीज ली थी और उनको मैंने चॉप कर लिया है. यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप लिया है और 1 टी स्पून यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टी स्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स ली हैं और 1 टी स्पून यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है. इंग्रेडिएंट्स के बाद जो हमने पहला काम करना है वो ये करना है कि पोटैटोज़ को एक बॉल में डालेंगे, खुले बॉल में, और उसमें हमारे पास ऑलरेडी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर था, उसमें से 2 टेबल स्पून जो है वो हम इनमें डाल देंगे. अब हम इसमें 1/2 टी स्पून जो है वो सॉल्ट डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जी, तो पोटैटोज़ को मैंने कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इनको हम फ्राई करने की तरफ चलते हैं. जी, तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है जिसको मैंने गरम कर लिया है. अब उन फ्राइज़ को, पोटैटोज़ को मैं फ्राई करूँगी. जी, तो पोटैटोज़ को मैंने 2 बैचेस में डालना है. एक बैच मैं डाल चुकी हूँ और इसको मैंने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाएं. कि जो पोटैटोज़ हैं, फ्राइज़ हैं, वो लाइट गोल्डन कलर के हो चुके हैं. इस स्टेज पे मैं इन्हें निकाल लूँगी. अपने फ्राइंग के दौरान देखा होगा कि झाग आ रही थी, वो झाग जो है वो कॉर्नफ्लावर की वजह से आ रही थी. अभी ये लाइट ब्राउन कलर के हो चुके हैं, मैं इन्हें उसी प्लेटर में निकालूंगी जिस प्लेटर में मैंने सर्व करना है. जी, तो पोटैटोज़ को मैंने फ्राई कर लिया है और मैंने उसी प्लेटर में निकाला है जिसमें मैंने इस डिश को डिश आउट करना है. तो अभी हम चलते हैं कॉर्नफ्लावर का बैटर बनाने की जानिब. तो बैटर बनाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लूंगी और उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और उसका बैटर बना लूंगी. जी, तो यहाँ पे हमने एक पैन लिया है जिसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसको मैं गरम कर लूंगी और उसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको फ्राई कर लूँगी. जी, तो पेस्ट को मैं फ्राई कर रही हूँ. जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ये लाइट गोल्डन कलर की तरफ जाएगी मैं इसमें अनियन डाल दूँगी. जी, तो इस स्टेज पे मैं इसमें अनियन, जी, तो अनियन को मैं सोते कर रही हूँ. साथ ही मैं कैप्सिकम डाल दूँगी, साथ ही मैं इसमें टमाटोज डाल दूँगी और उनको मैं 1.5 मिनट के लिए ऐसे इसमें कुक करूँगी. जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इन वेजिटेबल्स को, कैप्सिकम, अनियन और टमाटोज को हल्का हल्का सा सौते कर रही हूँ. यहाँ पर मैं इसमें जो 1 टीस्पून नमक रह गया था वो डाल दूँगी और इसको मज़ीद कुक करूँगी. जी, तो वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सौते हो चुकी हैं. इस स्टेज पे हम इसमें कॉर्नफ्लावर का जो बैटर था वो डाल देंगे और उसको कुक करेंगे. अब इसको हमने तेज आंच पर कुक करना है. इसमें विनेगर, चिली सॉस और टमाटो केचप डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे. जी, तो अभी हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली भी
डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही मैं चॉप जो ग्रीन चिलीज थी वो भी डाल दूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और बाकी के तमाम मसाला जात भी इसमें डल चुके हैं। अब ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है, इसको अब डालेंगे हम राइस के ऊपर। जी, तो ये वो प्लेटर है जिसमें हमने फ्राइज निकाले थे। अब ये गरम गरम मटेरियल जो है इसके ऊपर हम डाल देंगे। जी, तो स्पाइसी चिली फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।